वेल हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो हाई रिक्वेस्ट वीडियो है। मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई, स्किन का कलर बहुत ज़्यादा दब गया है, स्किन ग्लो नहीं करी, स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो गई है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग एंटी एजिंग फेस पैक शेयर करूँ जो आपकी स्किन को एकदम शीशे की तरह चमकदार बनाएगा। आपकी स्किन दिन दिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, बेदाग और चमकदार लगेगी। स्किन में काफ़ी अच्छा ग्लो नज़र आएगा, स्किन को ये हेल्दी बनाएगा। साथ ही साथ आपकी स्किन में एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है, रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, उसे भी ये दूर करेगा। इसे मेरे बताए हुए तरीके से यूज करते हो, मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप इसे लगाते हो तो ये आपके स्किन के कोलाजन प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देता है, जिससे आप अपनी उम्र से 5 से 10 साल जितना छोटे दिखोगे। तो चलिए जान लेते हैं आपको ये फेस पैक किस तरह से बनाना है, किस तरह से यूज करना है। ये फेस पैक ऑल स्किन टाइप्स वाले यूज कर सकते हैं, नेचुरल है, 100% इफेक्टिव है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से बनाना है। वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लीन बाउल लिया है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे घर की बनी गाढ़ी दही यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे करीबन 1 से 1.5 चम्मच जितना दही यूज़ कर रही हूँ। दही हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारे स्किन के कलर को निखारता है, दाग धब्बों को दूर करता है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा बेस्ट ये एंटी एजिंग में काम करता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लिप्टन की ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की ग्रीन टी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे करीबन मैं 1 चम्मच जितना ग्रीन टी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे करीबन मैंने इतनी कॉफ़ी ली, आप देख सकते हो मैंने छोटा चम्मच लिया है। कॉफ़ी हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ये हमारी स्किन के कलर को निखारता है, साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग में काम करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, नेचुरल स्क्रब की तरह हमारी स्किन में ये वर्क करता है। कॉफ़ी के बेनिफिट्स हर कोई जानता है कि कॉफ़ी हमारी स्किन में कितना अच्छा वर्क करता है। उसके बाद फिर हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 3 से 4 ड्रॉप जितना लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। लेमन जूस हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा लाइट ब्राइट करता है। अगर आपकी स्किन पे सूट होता तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर लो। जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो इसमें थोड़ा सा ऑयल या फिर हनी भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन पर जो इन्ग्रीडियंट सूट होता है ना वो आप यूज़ करो, सच में आपकी स्किन में काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है। तो ये फेस पैक ऑल स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। मैंने यहाँ पे ग्रीन टी यूज़ की है, ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्किन से एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्पॉट को दूर करता है, स्किन में रेडनेस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा खुजली, जलन की प्रॉब्लम है उसे ये दूर करता है। साथ ही ये हमारे स्किन के कोलाजन को बूस्टअप करता है, जिससे हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा यूथफुल, यंग और टाइट लगती है। आप अपनी उम्र से 5 से 10 साल जवा लोगोगे अगर आप इसे लगातार हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करोगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको अपने फेस पे यूज़ करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। तो मैंने अपना फेस बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया। फेस के साथ साथ अपने नेक पोर्शन पर भी आप अप्लाई करो, जिससे जो गले में लाइन्स वगैरह रहती है ना उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो यहाँ पर अभी मैंने पूरे अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। 15 से 20 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, आपको पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है, 90% तक ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर आपको बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करते हुए पैक निकालना है। तो अभी फिलहाल 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अभी मैं आपको पैक रिमूव करके दिखा रही हूँ कॉटन पैड की हेल्प से। तो आप देख सकते हो रिजल्ट, आपको अपनी स्किन में इंस्टेंटली ही रिजल्ट मिलता है, स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, ये स्किन को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल की लेयर को निकालता है, नोज के यहाँ पे जितने भी ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, स्किन में जितनी भी गंदगी है ना उसे खींच के बाहर निकालता है, स्किन को बहुत ही अच्छा ये डीपली क्लीन करता है। तो अभी आप फिलहाल देख सकते हो मैंने यहाँ से एक साइड से निकाला है और आप स्किन देख सकते हो, रिजल्ट भी देख सकते हो। तो अभी फिलहाल मैंने अपना फेस वॉश कर लिया और अभी आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हो, स्किन में कितना अच्छा ग्लो नजर आ रहा है, स्किन कितनी ज्यादा लाइट ब्राइट लग रही है, स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है, मॉइस्चराइज लग रही है। गाइस इसे हफ्ते में 1 से 2 बार भी यूज करना स्टार्ट कर देते हो ना तो आपको खुद अपनी स्किन में काफी अच्छा विजिबल सा रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन एकदम ग्लास स्किन जैसी लगेगी, स्किन काफी ज्यादा खूबसूरत, बेदाग, चमकदार लगेगी, स्किन काफी ज्यादा टाइट हो जाएगी। तो आप इसे बनाए गाइस, यूज करें, इसका रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।